गुड मॉर्निंग टू ऑल. बेटा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जीरो डिग्री कट, स्ट्रेट कट और बेसिकली योग कट. उसके लिए आपको मैं बता दूं क्या करना है. हमने पहले सेंटर पार्टिंग ले ली है, ठीक है, अच्छे से दोनों तरफ डिवाइड कर लिए हैं. उसके बाद कोई भी कटिंग हमने करनी है तो बालों को अच्छे से पहले गीला करना है, ठीक है. और क्लाइंट का हेड हल्का सा टिल्ट होना चाहिए, थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए. और हमेशा कटिंग करने से पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है. क्लाइंट के बालों की लेंथ, क्लाइंट के बालों का टेक्सचर, उसकी डेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से हमने हेयर कट करना है. अब हम जीरो डिग्री वन लेंथ कट करने लगे हैं स्ट्रेट कट. उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बॉक्स एरिया, जो मैंने आपको बताया था आईब्रोज के सेंटर वाला पार्ट, ठीक है. ये देखिए बिल्कुल फिंगर्स आर ऑलवेज स्ट्रेट. आपको क्लाइंट से पूछ लेना है कि कितनी उसने लेंथ शॉर्ट करनी है, उसके हिसाब से आपने ये स्ट्रैंड काटना है. ये देखिए यहां पे मैंने कॉम रखी और मैंने ये स्ट्रैंड को काट दिया. अब ये बॉक्स एरिया और ये हमारा जो मैंने काटा है ये हमारा बनेगा गाइडलाइन. अब इसके हिसाब से मैं नेक्स्ट स्ट्रैंड लूंगी. छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेके आपने बालों को काटना है. ये देखिए इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रैंड हम लेंगे. ये जो बचा, आपसे अगर मैनेज नहीं होते बड़े स्ट्रैंड्स तो आप छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लो. ये देखो इतना रह गया. ये हमारा वन लेंथ कट हो गया. इसी तरह हम दूसरी तरफ कट करते हैं. इधर से गाइडलाइन ले लेंगे. अब ये रहा स्ट्रैंड, ये लिया, इधर से मैंने गाइडलाइन ली. ये देखो शॉर्टेस्ट हेयर के हिसाब से जो ये रहा इसके हिसाब से मैंने इधर से वन लेंथ. इसी तरह मैंने ये वाला स्ट्रैंड लिया. देखिए सिर्फ ये स्टैंड रह गया. इसके हिसाब से हमने गाइडलाइन ली. थोड़ी सी साथ में हम फिनिशिंग. ये आपका वन लेंथ कट हो गया स्ट्रेट. इसमें आपने बाद में फिनिशिंग दे देनी है बालों में, जहां जहां आपको लगता है थोड़ा बहुत हल्का सा फिनिशिंग टच बाद में हम जरूर देते हैं. बेसिकली आपको टेक्निक पता होनी चाहिए. तो बेटा ये है आपका जीरो डिग्री वन लेंथ कट, ठीक है, स्ट्रेट कट. तो इसे ही जीरो डिग्री बोलते हैं, इसे वन लेंथ बोलते हैं, यही स्ट्रेट कट है. तो आज के लिए बेटा ये है. इसको आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो इसकी. ओके बेटा, थैंक्स.